आप देख रहे हैं पूज्य श्री जय प्रकाश जी महाराज के मुखारविंद से श्री रामदेव अमृत कथा का विशेष प्रसारण। पूज्य महाराज जी ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनके संकल्प द्वारा श्री रामदेव नेतल जी मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। महाराज जी का मानना है कि सनातन धर्म की सेवा करना और प्रचार प्रसार करना ही प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है। महाराज जी को ईश्वर भक्ति के साथ साथ शास्त्र का भी ज्ञान है। महाराज जी के सेवा प्रकल्पों से जुड़ने के लिए और सनातन धर्म की सेवा करने के लिए कथा में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। छाटा लग्या का नाम ले वो परमेश्वर का, छाटा लग्या चंदन रा नाम ले वो रघुनंदन रा। सेवंतिका बकुल चंपक पाट लाभ जय पुण्या गजाति कर बिल्व रसाल पुष्पै बिल्व प्रबाल तुलसी दल मंजुरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्त गिहाणा परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव त्वमेव सर्व मम देव देव। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो रामदेव जी महाराज की। सबसे निवेदन है कि आप यथास्थान पर विराजमान हो जाएं। बोलो रामदेव जी महाराज की। जे तुम यस्त्रिपुरम हरिण हरिणा व्याजाद्वलिं बध्यता स्रष्टु वारी भवोद भवेन भुवनम से सेन धरतू धराम पार्वत्या महिषासुर प्रमथने से धिपै सिद्धये ध्यातः पंचशरेण विश्वचितये पायात्स नागाननः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मात पिता मिल जावसी लख चौरासी माय पण गुरु सेवा हरि बंदगी फिर मिलन की नाय। मात पिता परमात्मा मात पिता परमात्मा ए तीनों एक समान जो इनरी कदर ना करे
भाई वो नर है शैतान। माँ संचिया की मैं पूजा मैं करूं और चाटू घिरत सिंदूर घिरत रो देवलो करूं मैया हाजर बंद हजूर करनी हरनी विघ्नी करनल मोरी मात चिंता में टन चारणी माता दे सोनारी राय। हर जी ने बाबो हर मिलिया हर जी ने बाबो हर मिलिया आदे मार गया पूजन ने दीना घोड़ला बाप जी दूध पीवण ने गाय। मां मन मिलिया राम देव जी जिन्हें जिन्हें रामदेव जी महाराज मिलिया है। देखो दुनिया में बड़े से बड़े लोगों से लोग मिलते हैं और मिलना भी चाहिए, लोगों की कामना रहती है कि मैं इतने बड़े लोगों से मिल के आया हूं। तो एक संत बोलिया कि रामदेव जी महाराज अगर मिल जावे तो कहीं हो सी भाई दबे अगर कभी आपा जावा आपा ने आपा रामदेव जी के परिवार में रामदेव जी की कथा गा रहे हैं। देखो आप आ एक बहुत बड़ी बात है, रामदेव जी के परिवार में रामदेव जी की कथा गा रहे हैं, रामदेव जी का पूरा परिवार विराजमान है, रामदेव जी महाराज का पूरा परिवार लाचा सुगना डाली सब विराजमान है। जिन्हें रामदेव जी मिल जावे मेरे कहीं हो गए। माता मन मिलिया रामदेव जी मन मिलिया रामदेव जी मारी मिटगी तन की पीड़ क्यों बोले कल जुग माही साचा परचा देवे बाबो राम पीर हालो हर जी देव रे बठ मिल सी राम पीर दुखिया ने सुखिया करे बाप जी ताजा करे शरीर। बोलो रामदेव जी महाराज की, अजमल घर अवतार की। देखो आप सब रामदेव जी महाराज की काफी कथा आप लोग सुनो, आज कोई पहली बार तो मैं रामदेव जी कथा गा नहीं रही हूं। अरे पहली बार ही तो रामदेव जी महाराज री बहुत लंबी कथा है। आप लोग रूपे दर्जी की कथा सुने हो, परचय रूपे दर्जी ने रामदेव महाराज घोड़े में रामदेव जी महाराज रूपे दर्जी ने परचो दिखाया। रामदेव जी महाराज
रामदेव जी महाराज जी लाड प्यार में उम्र 5 वर्षारी होगी। बोलो रामदेव जी महाराज की, बोलो अजमल घर अवतार की। देखो आधा लोग बोल रहे हैं जय, आधा लोग बोल रहे हैं है, और मिलकर बोलो से रामदेव जी महाराज की जय है। बोलो रामदेव जी महाराज की, अब और भी आधा ही लोग बोले हैं। बोलो रामदेव जी महाराज की, एक बार और बोलो रामदेव जी महाराज की। यहाँ जगह लगनी चाहिए रामदेव जी, जैन व्यास कॉलोनी में लगना चाहिए। रामदेव जी महाराज की कथा, अमृत कथा बरस रही है। रामदेव जी महाराज जी उम्र जब 5 वर्ष की हुई तो रामदेव जी महाराज अपनी माँ ने बोलिया, माँ गांव में सब लोग घोड़ा में चढ़ चढ़ के घूमे, मैं भी घोड़े में चढ़ूंगा। दुनिया में 4 प्रकार का ऐसा फेमस जिद है कि आदमी ने मजबूर होकर झुकना पड़े, अभी तक कोई पांचवा जिद ऐसा बढ़िया नहीं है। जिद मतलब हट, आपने मालूम पहलो हट ऐसा कौन सा है, कौन सा हट, बाल हट। दूसरों अरे बोलो तो, गिरी जी बोल रहे मैं बोल कौन सकूं, बोल सको कहीं है, कौन सा हट नहीं बोलना है, बिल्कुल भी क्रिया हट। अच्छा वो भी बोलने में ताकत चाहिए आदमी ने, बिना मालूम है अबार कथा में बैठे हैं बाद में। पहलो हट है राज हट, राजा हट कर ले गांव में, हट करनो है ई गांव में राज करनो तो कोई भी ना रोक नहीं सके। दूसरो हट है जोग हट, अगर सन्यासी हट कर लेवे की आज ही सन्यास लेना है तो बिरे हट ने कोई रोक नहीं सके। तीसरो हट है त्रिया हट, लुगाया हट कर लेवे तो सब अपने मालूम है। और चौथो हट है बाल हट, अगर बालक हट कर लेवे कि मने यो सामान चाहिए तो बिने रात में 1 बजे दुकान खुला के दे, चाहे किए ही शांत करो, बिने हट शांत करना पड़े। रामदेव जी महाराज बोलिया, माँ अगर तुमने घोड़ो नहीं मंगावेली तो मारे आज तो खानो पीनो उठनो बैठनो सब कुछ बंद है। माँ बोली, नहीं बेटा चिंता मत करो, बालपना में रामदेव जी हट की नो हट भारी, माँ मन ला दे घोड़ लो मैं तो चढ़ने करूं सवारी। अरे मन घोड़ लियो मंगवा मारी माँ, मन घोड़ लियो मंगवा, मन घोड़ लियो मंगवा मारी माँ, घोड़ लियो मंगवा, मन घोड़ लियो मंगवा मारी माँ, मन घोड़ लियो घोड़े चढ़ में घूमण जासू, घोड़े चढ़ में घूमण जासू, घोड़ लियो मंगवा मारी माँ, मन घोड़ लियो मंगवा मारी माँ, घोड़ लियो मंगवा, मन घोड़ लियो मंगवा। बोलो राम जी महाराज की। अरे माता जी ओ माता जी, मन घोड़ लियो मंगवा दो। आप देख रहे हैं पूज्य श्री जय प्रकाश जी महाराज के मुखारविंद से श्री रामदेव अमृत कथा का विशेष प्रसारण। पूज्य महाराज जी ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनके संकल्प द्वारा श्री रामदेव नेतल जी मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। महाराज जी का मानना है कि सनातन धर्म की सेवा करना और प्रचार प्रसार करना ही प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है। महाराज जी को ईश्वर भक्ति के साथ साथ शास्त्र का भी ज्ञान है। महाराज जी के सेवा प्रकल्पों से जुड़ने के लिए और सनातन धर्म की सेवा करने के लिए कथा में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। क्यों माने घोड़लियो चढ़ने रो चाव लाग्यो जियो, खमा 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 रे कवर अजमान रा, ओ जी खमा 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 रे कवर अजमान रा। मां मने घोड़ो मंगा, मां मने घोड़ो मंगा। माँ बोली, बेटा आप छोटा हो गिर जाओला, हाथ पग टूट जावेला, घोड़े पे तो कोई बड़ो राजकुमार चढ़े।
राजकुमार रो नाम लेते रामदेव जी महाराज जिद कर मैं चढ़ूलो गांव में एक ही दर्जी तो मारो नाम तो रूप दर्जी ने बुलाया। रूप दर्जी बोलियो कि एक घंटा रे मैंने दो घोड़ा सिलू ठगरानी लेकिन घोड़ा सिलने में समस्या है कहीं बोले कपड़ा बहुत ज्यादा लगे। रानी मैना दे बोली ठाकरा रे घर में आके फिर भी कपड़ा री बात कर रहे होते इतने बड़े घर में आके फिर भी। तब रूप दर्जी बोलिया माता चिंता मत करो कपड़े की कोई कमी नहीं है तो बहुत बढ़िया घोड़ो बनाऊंगा जितना कपड़ा चाहिए रूपा जी लेके जाओ। भंडार घर में रूप दर्जी गयो और दासी रे पास में गयो दासी बोली बोलो रूपा जी कितना स्थान दूं। रूप दर्जी बोलियो कि एक बार 40-50 स्थान तो दे दो। बोले और तो कुछ नहीं चाहिए बोले एक जरी को थान और दे दो। दासी बोली क्यों जैन व्यास को लेने में कपड़े की दुकान खोल ली इतना कपड़ा देर जा रहे हो। बोले राजा महाराजा के घर की लगाम है लोगों की लगाम तो रस्सी की होया करे लेकिन राजा महाराजा के घर की लगाम रस्सी की नहीं हीरा की होनी चाहिए। हीरा माणक पन्ना मोती सगला लेके गयो। घर में जब गयो तो घरवाली बोली अरे आज इतना कपड़ा गाड़ा भर के लाया हो कहीं बात है आज कटू लाया हो। रूप दर्जी बोली टोक मत बहुत बड़े घर को काम मिले हुए आज। घरवाली बोली मैं बताऊं जिया कपड़ा लगाओ ला तो उम्र भर आज रे बात काम करने की दरकार नहीं ई कपड़े में यहाँ पर पूरी जिंदगी चल जावे। क्यों बोले होली रा दिवाली रा झाड़ा पूछी आज ही करन लागी सगड़ा बोदा पुराना जितना ही कपड़ा था आंगने में लार रखी और नया नया कपड़ा सगड़ा अलमारी में सब बंद करके रख दिया। और रूपो दर्जी चतुराई से घोड़ो बना रहे हो अरे नया नया कपड़ा रूपे ऊपर ने लगाया अरे मायने तो बोदा कपड़ा भरिया जियो रूपे मायने तो बोदा कपड़ा भरिया जियो खमा खमा खमारे कवरे अजे मालरा घनी घनी खमारे कवरे अजे मालरा। रूपो दर्जी रे मन में थोड़ी डरावन लागियो नया कपड़ा ऊपर लगाया मायने बोदा कपड़ा तो दादुर मोरे पपैया रूपे मांडिया दादुर मोरे पपैया रूपे मांडिया घणी करी रे चतुराई जियो घणी घणी खमारे कवर अजमानेरा। रूपो दर्जी हीरा माणक पन्ना भी ले गयो तो सगला मायने राख लिया लेकिन थोड़ा थोड़ा हीरा लगायो रूपा पन्ना तो लगायो हीरा लगायो रूपा हीरा लगायो रूपा पन्ना तो लगायो लड़ मोत्यारी लगायो जियो घड़ी घड़ी खम्मारे कावर अजमाल राम। रामदेव जी महाराज के हीरा माणक पन्ना मोती लगायो लड़ मोत्यारी लगायो। रूपो दर्जी जी ही लाके घोड़ो दियो ठकरानी घनी खम्मा आओ आओ रूपो जी किया बोले बारे घोड़ा बढ़िया ले लो। रूपो दर्जी ने घोड़ो देख करके माता ठकरानी तो इतनी प्रसन्न हो गई वाह वाह रूपो जी मारे टाबरा वास्ते इतना सोना घोड़ा लाया हीरे हार लो बधाई में सिलाई ने पैसा कहां ले जाया। रूपो दर्जी देखियो बधाई में ऐसा हीरो हार मिले तो सिलाई ने पैसा क्या मिल सी हो। अरे रामदेव अटी ना हो बेटा बीरमदेव अटी ना हो बीरमदेव जी घोड़े में चढ़िया तो जिया कोई टाबर खेले टिकटिक घोड़ा टिकटिक घोड़ा। रामदेव जी महाराज घोड़े में चढ़िया तो मन में सोचा एक बात रूपा एक घर तो डाकण भी छोड़ दिया करे वो घर भी तू छोड़े को नहीं है। एक घर जी जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का लगता है पहरा वहां वीर हनुमान जी जी घर में संध्या के समय भगवान के नाम कीर्तन शुरू हो जाया करे जिस घर में संध्या के समय दीपक प्रज्वलित हो जाया करे जिस घर में भगवान के नाम का कीर्तन गाते हुए घर में काम किया जावे संध्या के समय भी घर में वीर हनुमान घर के बाहर पैरा लगाना शुरू कर दिया करे। एक घर तो भूल से भी डाकर नहीं आया करे तो मारो घर ही कौन छोड़ दे। आज तरह ऐसा चमत्कार दिखाओ ला कि जीवन में कभी चोरी नहीं करो लो। रामदेव जी महाराज घोड़े के कान में फूंक मारिया गरुड़ जी महाराज स्मरण से आया लीले में लीला में सम्मिलित गरुड़ जी महाराज और रामदेव जी महाराज लेके घोड़ लियो बाबो आकाशा में उड़ गया माता जी रे दुखड़ो छायो जियो कोई माता जी रे दुखड़ो
आयो जियो हो घणी घणी हमारे कावर अजमाल राम। माता जी रे रामदेव जी महाराज झूठा फेल कर रहा है, माँ बचा 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 अठी ने रामदेव जी महाराज ने माँ देखी तो माँ तो बेहोश हो गई। अरे बेटा रामदेव रोवन लागी माँ। अठी ने अजमाल जी महाराज कोई कर चुकाने वास्ते अजमाल जी आया। माता मैणा ने पूछे कई बात है मैणा दे घर में भीड़ क्यों लगाई है यहाँ, कई बात है आज भीड़ क्यों है घर में यहाँ। मैणा दे बोलिए कि कहीं बताऊं रामदेव जिद कर रहे हो कि घोड़ो मंगाओ। रूपे दर्जी ने बोले घोड़ो मंगाई और भी मैं बिरम देव तो राजी खुशी खेले और रामदेव छोड़े तो रामदेव देखो ऊपर लटक रहे। अब अजमाल जी महाराज बोले रूपो और दर्जी ने बुलाओ भी ने बोल दो सिलाई रहा पैसा तो थाने मिले को नहीं बधाई रहा मिले अब सिलाई रहा लेने आ जाओ। अगर रूपो दर्जी मन में सोचो कि सिलाई रहा पैसा लेने जाना है तो कहीं करा शेरवानी और हाथ में चांदी की छड़ी ले रहे हो। जी अजमाल जी महाराज के पास में आयो अजमाल जी महाराज बोलिया कि रूपा बता हवाई जहाज का बटन या कौन सा जादू कौन सा टूना जाने तो जिमें एक छोरो नीचे और दूसरे छोरो मारे ऊपर है। रूपो दर्जी बोले बाप जी जादू कोनी जानू मैं तो टूना कोनी जानो जादू कोनी जानू मैं तो टूना कोनी जानू मैं तो टूना कोनी जानो हे जी मारे ओ बाप जी रा घोड़ लिया बनाया जी मारे अंदा तारा घोड़ लिया बनाया अजमाल जी रा कवरा खमाओ मारा रोनी आने तो ग्यावे आखो मारवाड़ हो जी सारो गुजरात हो ए मारो बीकानेर भी अजमाल जी रा खमाओ मारा रणो चेरा जादू कौन जानो टूना कौन जानो मैं तुम्हारे रामदेव जी ने घोड़ा बनाया तू जादू टूना नहीं जाना तुम्हारा रामदेव क्यों ऊपर गयो। सिपाहियों रूपे दर्जी ने काल कोठरी में बंद करो खाता में हथकड़िया पगा में बेड़िया गला में सिकचिया बांध दो इन्हें और इतना कोड़ा मारो इन्हें जब तक मारो रामदेव नीचे नहीं आ जावे। बुढ़ापे में टाबर देखे अभी मैं एक नीचे दूसरा ऊपर बुढ़ापे में टाबर देखे अभी मैं एक नीचे खेला दूसरा ऊपर नंबर अब तो रूपे दर्जी की कोड़े पे कोड़ा कोड़ा पे कोड़ा कोड़ा पे कोड़ा कोड़ा पे कोड़ा। रूपो दर्जी मन में सोचियो पूरी दुनिया रा थान खाया हूं पूरी दुनिया रा मैं धन खाया हूं लेकिन आज तक मने कोई पकड़ को नहीं पायो। ये घर रे मैंने दो चार पांच थान कहीं खा गया मन तो कोड़ा पे कोड़ा पड़ रहा। मैं सुनियो हूं कि ये घर रे मैंने द्वारकाधीश का अवतार रामदेव जी महाराज को जन्म कटियो चमत्कार भी कोई तो कोनी अगर बाकोई है तो एक काम करना पड़सी माने बुलावाला बोलो रामदेव जी महाराज की रूपो दर्जी काल कोटरी में बंद के हाथा में हथकड़िया पगा में बेड़िया और गला में सिकचिया बंद है और रामदेव जी महाराज ने बुला रियो है। अरे आवो 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 नी अजमाल जी रा कबूरा थाने रूपो जी बुलावे बेगा आवो जियो थाने रूपो जी बुलावे बेगा आवो जियो घणी घणी खमारे कमरे अजमाल घणी घणी खमारे कमरे अजमाल अजमाल जी महाराज के पास में रूपो दर्जी आयो रामदेव जी महाराज नीचे आया। रामदेव जी महाराज बोलिया अरे अजमाल जी बोलिया बेटा जुल्मी बोले बाबू जी जुल्मी मैं कोनी और रूपो दर्जी है। रामदेव जी जी घोड़े ने चीर के दिखाऊं लाग गया। रूपो दर्जी बोले बाबू जी पर्दे को पर्दे में रहने दो। बोले क्यों पूरे गांव का कपड़ा खाया है थारे घर का तो थोड़ा कपड़ा खाया अंडर पड़िया मन बार कोड़ा पड़िया है और गांव रहा भी ठा पड़ गया तो लोग खूब मारे ला मन। रामदेव जी बोले रूपा चोरी क्यों करे बता। बोले बाप जी चोरी ई वास्ते करूं। बोले कि भाई अरे
चोरी क्यों करे बता। बोले चोरी ही वास्ते करूं कि बुढ़ा पेरे मायने थोड़ा धन ज्यादा रहसी तो तीर्थ यात्रा घूम आसा, कटी हवाई जहाज में घूम सा, कटी फ्लाइट में घूम सा, बुढ़ा पेरे मायने पीछा रहना चाहिए। ई वास्ते व्यापार में चोरी करा। रामदेव जी महाराज बोलिया कि व्यापार में चोरी करोला तो बुढ़ापे रे मायने सगला धन दवाया में लाग जावेला, बीमारी में लाग जावेला। आज भी जितना वृद्ध 65 के बाद में जितना भी वृद्ध व्यक्ति घूम रहा है, समझ लो कान से, मुख से, नासिका से, अपने पांव से अगर चल रहा है तो समझ लो आप घर में चारों धाम के अलावा कोई धाम नहीं है, चारों धाम ही विराजमान है आप घर में। क्योंकि जीवन में वे बचपन में इतना सद्गुण का काम करिया है, ये वास्ते आज भी वृद्ध अवस्था में भी बारी सारी चीजा भगवान। रामदेव जी महाराज बोलिया रूपा तू आज बात चोरी मत करी। रूपो दर्जी बोले बाप जी आज बात कभी चोरी नहीं करूंगा। रामदेव जी ने रूपो दर्जी महाराज, रामदेव जी महाराज रूपे दर्जी पे कृपा करिया, बोलो द्वारिकाधीश की और दूसरे पर चो रामदेव जी महाराज रूपे दर्जी ने दिया। रामदेव जी महाराज की उम्र लाड प्यार में 10 वर्षा की हो गई। रामदेव जी महाराज बोलिया माँ अगर घर के बाहर खेलन नहीं जावाला तो लोग माने जाने ला नहीं कि मैं कीरा अजमाल जी रा बेटा कि कीरा बेटा, मने बारे खेलन जावन दे। माँ बोली बेटा घर के बाहर खेलन जाओ लेकिन एक बात याद रखिया। कौन सी बात? अरे आगुने भी जाई जे बेटा आथुने भी जाई जे, आगुने भी जाई जे बेटा आथुने भी जाई जे, दक्षिण दिशा में मत ना जाई जे जी ओ रामा, दक्षिण दिशा में मत ना जाई जे जी, अजमाल जी रा जोड़ा खम्मा खम्मा ओ मारा रोड़ी चेरा धनिया रोड़ी चेरा। रामदेव जी महाराज की अजमल घर अवतार की। रामदेव जी महाराज ने माँ बोली बेटा आप आगू ने जाया आथू ने जाया, पूरा पश्चिम उत्तर तीनों दिशा में जाओ लेकिन भूल से भी दक्षिण दिशा में पग मत राख लिया। क्यों? बोले भैरू नाम को राक्षस को ऐसो उत्पात है कि 12 कोस अटीने को, 12 कोस अटीने को, एक भी जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी ने भी छोड़ियो को नहीं है, सबने खा गया। रामदेव जी महाराज बोलिया माँ तू मैंने जावन दे, तू बोल सी तो मैं खाली बाखड़ में खेल सा, सामलो बाड़ो भी में खेल सा। रामदेव जी महाराज तेरे सांगे बीरमदेव जी महाराज, दो टीम बनाया, एक टीम का सरदार बीरमदेव जी, दूसरे टीम का सरदार रामदेव जी। शर्त रखिया कि अगर जो ही गेंद ने बारे गिरावे ला भी ने गेंद लाके देनो पड़ेला, और अगर भूल से गेंद नहीं लाके दियो तो बोले भी ने कंधे में चढ़ा के 7 चक्कर चटाना पड़ेला, मंजूर है? बोले मंजूर है। बीरमदेव जी महाराज गेंद खेलिया तो जिया कोई टाबर खेल रहे है, लेकिन रामदेव जी महाराज गेंद खेलिया तो एक याद करिया बात में कहीं दड़िया रमता रामदेव जी, दड़िया रमता रामदेव जी मन में करिया विचार, दड़िया रमता रामदेव जी मन में करिया विचार, कहीं भैरव डेरे करे दुख पावे संसार, दोरो दिनो गेंद के गैया का सामाय, ए पान हिलिया तरवर हिलिया दूजी सब बन राय, गेंद कठे गिरी गेंद पड़ी मठ सामने देव करे जयकार, असुर संहारण कारण प्रभु भूलिया अवतार, गेंद पड़ी मठ सामने देव करे जयकार, असुर संहारण कारणे प्रभु आप लियो अवतार। क्योंकि जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमान,
तब तब धरी हरी विविध शरीरा, तब तब धरी हरी विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीड़ा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीड़ा, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जब रामचरितमानस बोले कि जब जब होई धर्म की हानि, जिस घर में जिस व्यापार में जिस परिवार में धर्म की हानि, जिस संबंध में धर्म की हानि, जब धर्म की हानि हो जाएगी तो बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तो क्या होगा, अधम व्यक्ति लोगों का जन्म हो जाएगा, तो क्या करेंगे, बोले तब तब धरी हरि विविध शरीरा, अनेक प्रकार के भगवान के रूप धारण हो जाएगा और हर ही कृपा निधि सज्जन पीड़ा, सज्जनों की पीड़ा को हरण करने के लिए परमात्मा एक मिनट की देरी नहीं करते। और आज भगवान जिस प्रकार से कंस ने मरण वास्ते भगवान श्री कृष्ण को अवतार होयो राम ने। आप देख रहे हैं पूज्य श्री जय प्रकाश जी महाराज के मुखारविंद से श्री रामदेव अमृत कथा का विशेष प्रसारण। पूज्य महाराज जी ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनके संकल्प द्वारा श्री रामदेव नेतल जी मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। महाराज जी का मानना है कि सनातन धर्म की सेवा करना और प्रचार प्रसार करना ही प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है। महाराज जी को ईश्वर भक्ति के साथ साथ शास्त्र का भी ज्ञान है। महाराज जी के सेवा प्रकल्पों से जुड़ने के लिए और सनातन धर्म की सेवा करने के लिए कथा में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। राम को अवतार हो और नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु उसी प्रकार से शिशुपाल और दंतवक्र ने भगवान श्री कृष्ण उसी प्रकार से द्वारकाधीश श्री कृष्ण का अवतार रामदेव जी महाराज भैरु ने तारण रहे वास्ते। सब लोग बोलिया कि भाई आप गेंद लेके आओ। रामदेव जी महाराज बोलिया कि आप लोग कोई मेरे सागे चलो गेंद लेने वास्ते। सब लोग बोलिया आमरा जेदे पालवो ना, मैं लोग जा कौन सका क्योंकि अटे बटे भैरु नाम को राक्षस है माने खा जावे। रामदेव जी महाराज अकेला जा रहा है। अकेला जाते हैं रामदेव जी, कोई ये न जावे साथ, बन में धुनी तापता गुरु जी मिल गया बाली नाथ। गुरु बालक नाथ जी महाराज मिले आज। बोलो रामदेव जी महाराज की, आज रामदेव जी महाराज पर गुरु की कृपा हुई है। देखो गुरु कहते हैं हमारे यहाँ पे हनुमान चालीसा में सबसे पहले जब हनुमान चालीसा शुरू करते हैं तो सबसे पहली चौबाई क्या आती है, सबसे पहला दुआ क्या आता है, श्री गुरु। देखो गुरु के आगे श्री लगा हुआ है। दुनिया में मरने वाले व्यक्ति के आगे स्वर्गीय लगता है, फलांचन मरने वाले व्यक्ति के आगे स्वर्गीय लगता है, लेकिन गुरु के आगे श्री लगा हुआ है। कोई कहे बोले हमारे गुरु जी नहीं रहे, अरे गुरु जिंदगी में हो ही नहीं सकता कि देखो गुरु शरीर से हो या नहीं हो, लेकिन गुरु आचरण में हमेशा विराजमान है। और वेद कहता है कि सबसे पहला गुरु है। आप अगर वेदों को कभी पढ़े होंगे तो वेदों के ऊपर लिखा हो मातृदेव हो पितृदेव हो, सबसे पहली माँ कौन, सबसे पहला गुरु कौन, बोले माँ, और दूसरे बोले पिताजी, और तीसरे बोले अध्यात्म के हमारे गुरु कौन, जो जिनसे आप दीक्षा लिए। शरीर से वो रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन आज भी संस्कार से आचरण से मंगल आचरण से हमारे पास में विराजमान है। और उसी प्रकार से रामदेव जी महाराज अकेला गया गुरु जी के पास में, गुरु जी भजन कर रहा था। संध्या के समय चार चीज करना वर्जित है, श्रीमद् भागवत में उल्लेख है चत्वारी कर्माणि संध्यायाम परिवर्जयेत, चार चीजों को करना वर्जित है शाम के समय। पहला कौन सा मालूम आपको, बता तो दो, पहला कौन सा है, सोना नीची, अगर रात में सोओगे उस समय सोओगे तो रात में नींद नहीं आएगी। दूसरा क्या है, भोजन नहीं करना चाहिए, ज्यादा भोजन नहीं, अल्पहारी, जैसे कल आप
गोलगप्पे खा रहे थे तो अब पांच खा लो, तीन खा लो, ये नहीं कि एक साथ में। अल्पहारी स्वान निंद्रा बको ध्यानम। तीसरा है बच्चों को स्वाध्याय करना मना है, पढ़ाई करना शाम के समय एक घंटा मना है। जब सूर्य अस्त हो रहा है, चंद्रमा उदय हो रही है, भी समय अगर बच्चों पढ़ाई करेला तो फेल ही आवे लगे, क्योंकि माता सरस्वती के श्रृंगार को समय संध्या को समय है। जब माँ श्रृंगार करे तो बच्चे ने खेलन दो, और जब माँ श्रृंगार कर लेसी तो बच्चे ने विद्या से, धन से, सब प्रकार से श्रृंगार करे। और चौथो है मैथुन क्रिया। दाम्पत्य जीवन में स्त्री और पुरुष के जो संबंध होया करे वो संध्या के समय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। संध्या के समय अगर मानो शरीर को संबंध हो जासी तो उनके घर में पुत्र जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जन्म ले लेंगे। दैत्यों को जन्म संध्या के समय होया करे। संध्या के समय काई करना चाहिए, घर का बूढ़ा माए तो बोले काहे रो दिवलो काहे री बतिया काहे रो घिरत बिलो रे मन भरो सिंजारो सुमिरन करो। हत ले रो दिवलो आंगल्यारी बतिया मन डेरा घिरत बिलो रे मन मारो सिंजारो सुमिरन करो। शाम के समय भगवान को सुमिरन करो। रामचरितमानस बोले यही कलिकाल ना साधन दूजा जोग जग जप तप व्रत पूजा राम ही सुमरिये गाइये राम ही संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। भगवान के नाम को गाओ, भगवान के नाम का सुमिरन करो। अभी अवध में भगवान की आरती हो रही है, अभी भगवान का अभिषेक हो रहा है, बस ये सुमिरन मात्र से आपको दर्शन का फल मिल जाएगा कि इस समय भगवान का अभिषेक हो रही है, इस समय भगवान का संध्या आरती हो रही है, इस समय भगवान की भोग आरती हो रही है। आप बैठे बैठे दर्शन करो ला तो अवध जाओ चाहे मत जाओ, अवध राज आपके घर जरूर आ जाएंगे। बोलो द्वारिकाधीश की। गुरु जी भगवान का भजन गा रहा था संध्या के समय, आप भी मिलके भाव के साथ। साधु न दिखे तपता बढ़ती न दिखे वे सूरज चलता न दिखे ए कुदरत रा खेल। सतगुरु बोलिया कि साधु ना दिखे तापता, असली साधु हुए जी को जब तब कर तो नहीं दिखे। असली साधु आपने कभी माला फेर तो नहीं दिखेला, क्योंकि असली साधु को जो माला है वो मन जिया सांस चल रही है भैया माला चल रही है, और जो माला दिखा दिखा के कर रहे हैं वो समझ लो वो माला को नहीं फेर रहे हो। अरे भाई चुप हो जा, राम अरे माला ही कौन फेरन दे दो मिनट दिन भर मैं जब माला फेरो जन बात करने लग जाओ घर में, यहाँ कोई माला फेरे तो समझ लो कि खाली माला नहीं तो दूसरी माला फेर रही है। और साधु ना दिखे तापता और बढ़ती ना दिखे बैल। घर में जी को मनी प्लांट तुलसी को पौधो केला को वृक्ष आपने कभी बढ़ता नहीं दिखेला। सूरज चलता ना दिखे कुदरत तेरा खेल। एक संत बोलिया अपर चुरू में एक बहुत बड़ा संत होया बरो नाम तो कालू राम जी महाराज। मैं बहुत अद्भुत वाणी लिखता था बारी, कम से कम मेरे पास में 50 वाणियां होगी मेरे पास में, लेकिन एक वाणी मैं आपने सुनाऊं भी। वाणी में सगली बातियां उल्टी लिखोड़ी है। कबीरदास जी भी उल्टी लिखा कि पहले मेरा जन्म हुआ पीछे बड़ा भाई धूमधाम से बापू जल में पीछे जल में माई भजन में रहना रे भाई। पहले मेरा जन्म हुआ रे पीछे बड़ा भाई रे धूमधाम से बापू जल में पीछे जल में माई भजन में रहना। कैसे बोले पहले मेरा जन्म हुआ, भगवान परिवार में जो व्यक्ति पहले लग जाए उसी का जन्म पहले होता है, चाहे बड़ा हो चाहे चाहे छोटा हो। अगर बड़ा भी हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंछी को छाया नहीं फल आ गया थी दूर। बड़ा भी हो जाए और भगवान में मन नहीं लगे तो उसका जन्म जन्म नहीं है। और छोटा बच्चा भी अगर भगवान में लग जाए तो वो व्यक्ति घर में सबसे बड़ा माना जाएगा। उसी प्रकार से कालू राम जी महाराज एक सत्संग में एक भाव लिखा कि आपा दुनिया में सगड़ा उल्टा काम करा। कौन कौन सा
अरे दुनिया उल्टी रीत चलावे जाड़ो भेद समझ ना आवे, दुनिया उल्टी रीत चलावे जाड़ो भेद समझ ना ए जी भेद समझ ना आवे भाईड़ा, भेद समझ ना आवे भाईड़ा, भेद समझ ना आवे दुनिया उल्टी रीत चलावे जाड़ो भेद समझ ना आवे, दुनिया उल्टी रीत चलावे जाड़ो भेद समझ ना आवे। सतगुरु देव भगवान की ए संगति करो नी निर्मल संत नी मारी हेली, संगति करो नी निर्मल संत नी मारी हेली, ए आवागमन मिट जाए रे, आवागमन मिट जाए, ए जी संगति करो नी निर्मल संत नी मारी हेली, आवागमन मिट जाए रे, आवागमन मिट जाए। संत बोलिया पत्थर रो एक नाग बनायो बिन पूजन लावे, पत्थर रो एक नाग बनायो अर बिन पूजन जावे, सांचो लो जद सामने आवे, सांचो लो जद सामने आवे, लाठी मार भगावे, दुनिया उल्टी रीत चलावे जारो भेद समझ ना आवे, दुनिया उल्टी रीत चलावे जारो भेद समझ ना आवे। देखो नाग पंचमी के दिन गौ माता के दूध से सब सर्प का अभिषेक करवाते हैं, नाग पंचमी के दिन एक एक कुंडा भर भर के सांप ने दूध पिलावा, और कोई दिन रात में सुत्या रेवा और सांप माचे ने नीचे आ जावे तो लाठी मार रात में भगानो पड़े। उल्टी रीत चलावे जारो भेद समझ ना आवे, माटी री गण गोर बनावे छोरिया पूजन जावे, माटी री गण गोर बनावे छोरिया पूजन जावे, ए मारी माया पूजन जावे, ओ लाडे सर पूजन जावे, गणगौर में मारी बहन बेटिया घर की सभी पूजन जावे, मारो तेल बड़े घी गाल घुड़ला घूमे लाजी, घुड़लेरा दिनड़ा चार जवाई राजा ले जावे लाजी। सब लोग गणगौर पूजे लेकिन भाई माटी जी गणगौर बनाई छोरिया पूजन जावे, लेकिन चार दिनारे बाद चार दिनारे बाद भाईड़ा, चार दिनारे बाद भाईड़ा, कुआं में गम गावे दुनिया उल्टी रीत चलावे जारो भेद समझ ना आवे, दुनिया उल्टी रीत चलावे जारो भेद समझ ना आवे। कालूराम जी एक बहुत एक कड़ी बात लिखिया, आप बात समझे वास्ते नहीं है लेकिन सत्संग में सत्संग दर्पण होता है, शीशे में देखोगे अपना चेहरा दिखेगा कि मेरे चेहरे में कहां गंदगी है कहां अच्छाई है। कालूराम जी एक बहुत कड़ी बात लिखिया लेकिन आप बात समझे वास्ते लागू नहीं है लेकिन प्राय प्राय जगह लागू हो जावे, कौन सी बात लिखिया, जिमते बाप ने रोटी ना खाले नितरी राड मचावे, ए जिमते बाप ने रोटी ना खाले नितरी राड मचावे,
घर में नितरी राड मचावे, मरिया पछे मूछ मुंडावे, मरिया पछे मूछ मुंडावे, पूरो गांव जिमावे, दुनिया उल्टी रीत चलावे, जारो भेद समझना। देखो श्राद्ध पक्ष आवे तो बाबू जी ने कहीं पसंद हो बोले तोरू को साथ, पूरी दुनिया ने तोरू लार पंडित जी ने खिला से, लेकिन जब बाबू जी है तो माने मैं पूछ तो लो बाबू जी तोरू ले सो या खीरा खा सो, कहीं खा सो बताओ आप। बाबू जी आप द्वारकापुरी जाओला या आप कौन सी गांव जाओ बताओ, आप वृंदावन में दो महीना रह के आओ, आप हरिद्वार में बाबू जी एक महीना रह के आओ, या नहीं तो बाद में हरिद्वार जानो ही। अगर अपने हाथ से पिताजी को हरिद्वार लेके गए द्वारकापुरी में चरणों का स्नान करवाए हैं, और अपने हाथों से बाबू जी को अगर रामेश्वरम में 22 कुंडों का दर्शन करवाए हैं, तो याद रखो मेरे भाई बहन चारों धाम की यात्रा किए चाहे नहीं किए घर में यात्रा हो गई, बोल द्वारकाधीश की। और एक बात लिखिया, घर की खांड कड़ा कड़ लाके गुड़ चोरी रो मीठो, घर की खांड कड़ा कड़ लाके गुड़ चोरी रो। आप देख रहे हैं पूज्य श्री जय प्रकाश जी महाराज के मुखारविंद से श्री रामदेव अमृत कथा का विशेष प्रसारण। पूज्य महाराज जी ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनके संकल्प द्वारा श्री रामदेव नेतल जी मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। महाराज जी का मानना है कि सनातन धर्म की सेवा करना और प्रचार प्रसार करना ही प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है। महाराज जी को ईश्वर भक्ति के साथ साथ शास्त्र का भी ज्ञान है। महाराज जी के सेवा प्रकल्पों से जुड़ने के लिए और सनातन धर्म की सेवा करने के लिए कथा में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। घर की खांड कड़ा कड़ लागे गुड़ चोरी रो मीठो, संत कालू राम चुरूरा, संत कालू राम चुरूरा, ओल में ढोल बजावे, दुनिया उल्टी रीत चलावे, जानो भेद समझना, आवे दुनिया उल्टी रीत चलावे, जानो भेद समझना। रामदेव जी महाराज की, रामदेव जी महाराज गुरु जी के चरणों में बैठा था और गुरु जी की आंख खुली और रामदेव जी महाराज के शीश पर, रामदेव जी के शीश पर गुरु जी को हाथ गयो और ऐसी महिमा हुई। रामदेव जी महाराज रे शीश पर हाथ जब गुरु जी को गयो तो गुरु जी आंखें खोल के देखिया कटी मेरा हाथ भैरू के ऊपर तो कोई चलो गयो, पूछा अरे बेटा बारे बारे कोसा माही मान खो न दिखे। अरे बेटा अठीने बारे कोस मान को कौन दिखे, तू कठू आयो है। अरे मारगियो भूलो डुकटे सो आयो जियो बेटा, मारगियो भूलो डुकटे सो आयो जियो, घणी घणी खम्मारे कावरे अजे माला, केंद्र कारणी गुरु जी मारगियो में भूलो, केंद्र कारणी गुरु जी मालगियो में भूलो। अरे भूलो 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 शरण थारी आयो जियो में तो, भूलो भूलो शरण थारी आयो जियो, घणी घणी खम्मारे कावरे अजे माला। बोलो रामदेव जी महाराज की। अरे बेटा बारह बारह कोस तक कोई मान को कौन देख रहे, कटू आयो बेटा तू। अरे गुरु जी गेंद रे कारण आयो, गेंद मिल गई बेटा, हाँ अब जल्दी सुन 9:11 हो जाओ अटो। क्यों गुरु जी? अरे बेटा 9:11 नहीं होला मतलब भाग जाओ, नहीं भागोला तो भैरू आ जावेला, राता छान नहीं कर देवेला। अरे गुरु जी भैरू कौन है? बोले भैरू राक्षस है, राक्षस से मैं डर की जाऊं तो मारे माता जी रे पिता जी रे और गुरु जी रे कुल में दाग लाग जावे कि एक छोरो राक्षस से डर के भाग गयो। बेटा थारी माँ पिताजी गुरु कई नाम है बेटा बता। रामदेव जी महाराज बोलिया माता मैणा दे मारा पिता अजे माल जी, गुरु बाली नाथ कहाया जी, ओ मारो नाम रामदेव कहाया जी, अजे माल जी का कवरा माता माओ मारा गुणे चेरा गणिया,
मारो नाम रामदेव पिता रो नाम मारी मारो नाम रामदेव पिता रो नाम अजमाल जी माता मैना दे और मारा गुरु जी का नाम बालीनाथ जी महाराज है। बेटा सगली बात समझ में आ गई लेकिन तुमने गुरु कद बनायो। अभी थोड़ी देर पहले गुरु जी आपको हाथ मारे शीश पे आयो मैं थारो चेलो और थे मारा गुरु जी। अरे बेटा बहुत जल्दी चेलो बढ़ गयी तुम्हारे गुरु जी। आप रे कोई संप्रदाय में और कोई चीज है तो कोई ताता चीपिया चेपना है या कोई कोई और भी दस्तूर है तो कर लो लेकिन चेलो तो मैं आप ही रहूंगा। तब गुरु की बात सुन के रामदेव जी महाराज बोलिया कि मैं आप चेलो रहूंगा। गुरु जी बोलिया बेटा अगर तू मेरा चेलो है तो गुरु की आज्ञा को उल्लंघन भी नहीं करना चाहिए क्योंकि मात पिता गुरु के बानी। माते पिता गुरु के यह बानी बिन ही विचार कर। माते पिता गुरु के यह विचार कर। शुभ जाने मात पिता प्रभु के बानी बिन ही विचार करिए शुभ जानी। बोलो द्वारिकाधीश की बोलो रामदेव जी महाराज की। बोलो रामदेव जी महाराज की। रामदेव जी महाराज गुरु जी ने बोलिया कि गुरु जी बोलिया बेटा मात पिता गुरु के बानी भी नहीं विचार करिए शुभ जानी। अगर गुरु की आज्ञा मान लियो है तो एक काम कर बेटा कहीं मैं तन बोलू जल्दी से भाग जा। रामदेव जी महाराज गुरु की आज्ञा ने उल्लंघन नहीं किया और जल्दी से भागया और भागते 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 गुरु जी के पास में आए। गुरु जी बचाओ गुरु जी बचाओ गुरु जी बचाओ 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 गुरु जी बचाओ। अरे कहीं हो रामदेव बोले गुरु जी हाउ आ गयो। बोले गुरु जी भैरू आ रही है मैंने जल्दी बचा लो। रामदेव जी महाराज ने गुरु जी बोलिया कि बेटा मैं तेने बोलियो नहीं कि अरे हाउ आ जाओ। अब मारे कने छुपाने वास्ते और कुछ नहीं है फाटी गुदड़ी है। बोले गुरु जी बोलिया फाटी गुदड़ी है तो रामदेव जी महाराज बोलिया मने गुदड़ी में छुपा लो लेकिन मने तो छुपा लो गुरु जी आप। रामदेव जी महाराज गुदड़ी में सो गया। भैरु राक्षस गुरु जी के पास आयो। गुरु जी ने बोलियो गुरु जी आपकी मठ में आज ताजा ताजा खुशबू आ रही है। बोले गुरु जी बोलिया बेटा जिंदगी में जितना पाप करे मेरी दुर्गंध आ रही है तने। गुरु जी बात सुनते ही भैरु ने गुस्सा आयो और गुरु जी ने सामने आज भैरू जो जो वचन बोलिया है वो वचन कभी आज तक गुरु जी ने बोलियो नहीं। भैरू बोलियो मौत थारी आज कहीं आई रे मोडिया। देखो संतों को अगर कोई मोडिया कह दे तो बहुत बड़ी गाली है। संतों ने कोई मोडो बोलते तो बहुत बड़ी गाली है। नरसिंह जी ने लोग मोडा बोलता था। मोडा रो मतलब गाली कैसी गाली है बताऊं जी। हाँ मतलब कोई बच्चों आपने घर में बैठे हुए अपनी माँ ने बोले माँ पापा आ गए तो सही बोला कि गलत बोला बताओ। ठीक ही बोला ना माँ पापा आ गए। और अगर ऐसे बोल दे माँ आपके पति आ गए तो लैंग्वेज में फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा बताओ। बात तो सही बोल रहे वो मम्मी आपके पति आ गए और मेरे मम्मी पापा आ गए तो मैनर्स। उसी प्रकार से संतों को संत बोलो या मोडा बोलो दोनों में कोई फर्क नहीं लेकिन मोडा शब्द थोड़ा सा नीचा शब्द है। आज भैरू जब बोलियो कि मोड थारी आत आज कहीं आई रे जोगीड़ा मोडिया उसी समय आज गुरु जी महाराज बोलिया कि भैरू चिंता मत कर जा ही गुदड़ी के मायने सुते है ले ले। रामदेव जी महाराज गुदड़ी हिलाया भैरू गुदड़ी जाके खींचियो। रोज मारा भाई बहन गुदड़ी खेसते ही गुदड़ी चमत्कार दिखाई। गुदड़ी लांबी हो गई जो द्रौपदी रो चीर।
आप देख रहे हैं पूज्य श्री जय प्रकाश जी महाराज के मुखारविंद से श्री रामदेव अमृत कथा का विशेष प्रसारण। पूज्य महाराज जी ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनके संकल्प द्वारा श्री रामदेव नेतल जी मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। महाराज जी का मानना है कि सनातन धर्म की सेवा करना और प्रचार प्रसार करना ही प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है। महाराज जी को ईश्वर भक्ति के साथ साथ शास्त्र का भी ज्ञान है। महाराज जी के सेवा प्रकल्पों से जुड़ने के लिए और सनातन धर्म की सेवा करने के लिए कथा में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।